हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 20th and 21st of March के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज, 20th of March के इम्पॉर्टेंट डेज़। तो 20th of March को तीन इम्पॉर्टेंट डेज आते हैं। फर्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट टाइम जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है वो ऑब्जर्व किया था यूएन ने 2013 के अंदर। और इस साल का थीम क्या है? इसका थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए रिकनेक्ट करना है। कीवर्ड्स ऐसे बीच में से पिक कर लिया करो, जैसे रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। फिर सेकेंड डे आता है वर्ल्ड स्पैरो डे। 20th of March को ही आता है वर्ल्ड स्पैरो डे। स्पैरो जो चिड़िया होती है, तो वर्ल्ड स्पैरो डे कमेमोरेट किया जाता है जो स्पैरो है उनको सेव करने के लिए। तो इस साल का थीम क्या है? थीम है आई लव स्पैरो, राइट। तो इजी सा थीम है वर्ल्ड स्पैरो डे का, आई लव स्पैरो। थर्ड डे आता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है जो ओरल प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए, लोगों को अवेयर करवाने के लिए। जैसे कि अब हमारी कोई टीथ की प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या माउथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, तो वो आ जाती है ओरल हेल्थ के अंदर, और उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है। तो इसीलिए ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को ओरल प्रॉब्लम्स से अवेयर करवाने के लिए। और इस साल का थीम है अ हैप्पी माउथ इज़ अ हैप्पी बॉडी। अब देखो, माउथ से ही तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर खाना जाता है ना, तो अगर माउथ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए अब माउथ को साफ रखो, हैप्पी माउथ इज़ अ हैप्पी बॉडी। अगर ओरल प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी तो आधी आपकी जो बाकी की प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। गॉट इट? तो थ्री डेज आते हैं 20th of March को, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड स्पैरो डे एंड वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। अब देखो इसको याद कैसे करना है। 20th of March, उसके बाद होली आने वाली है, तो खुश हो रहे हैं 20th of 20th March हो गई है, जल्दी जल्दी होली आएगी। तो यहाँ पे आ गया वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। फिर स्पैरो, अब देखो खुशी होली को देखकर भी हो रही है और ऊपर से चिड़िया, कितनी प्यारी सी चिड़िया होती है, तो स्पैरोज को देखकर भी खुश हो सकते हो, स्माइल आ जाती है फेस पे स्पैरो को देखकर, ऐसे कितना अच्छा सा बर्ड है। तो हैप्पीनेस किसको देखकर आ रही है? स्पैरो को देखकर। तो फिर आप सोचते हो कि चिड़िया कितनी खुश है, तो खुश रहना है तो जो ओरल प्रॉब्लम्स है उनसे लड़ना है, ओरल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। तो खुश रहने के लिए आपका जो माउथ है वो भी तो हैप्पी होना चाहिए ना, तो इसीलिए हैप्पीनेस, स्पैरो एंड वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये तीन दिन आ जाते हैं 20th of March को। फिर नेक्स्ट चलते हैं 21st of March पे। 21st of March को भी तीन दिन आते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे एंड वर्ल्ड पोइट्री डे। एक एक करके देखते हैं। फॉरेस्ट्री डे क्या होता है? फॉरेस्ट के लिए है कि फॉरेस्ट को सेव करना है हमें। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे का थीम क्या है? इस साल का थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। कीवर्ड क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट को हमें सेव करना है अगर हमें बेटर वर्ल्ड चाहिए, राइट। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो एक दो कीवर्ड्स बीच में उठा लिया करो, क्योंकि पूरा थीम इतना बड़ा होता है तो लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फॉरेस्ट, बेटर वर्ल्ड। फिर आता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। डाउन सिंड्रोम डिजीज क्या होती है? डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये नेचुरल होती है। नेचुरली कई बार क्या होता है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं वो कई बार होता है एक पेयर कम हो गया या ज़्यादा हो गया बच्चों में, ज़्यादातर ये नेचुरली प्रॉब्लम होती है। वर्ल्ड सिंड्रोम जो होती है डाउन सिंड्रोम की, क्रोमोसोम्स की जो प्रॉब्लम होती है, तो उससे रिलेटेड लोगों को अवेयर करवाने के लिए है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे।
डाउन सिंड्रोम क्या है? क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है ये, एक क्रोमोसोमल डिजीज है ये एक तरह की। तो ये होती क्या है, ये नेचुरल ही होती है बच्चों में, जैसे बाय बर्थ ही होती है ये डाउन सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की जो अबिलिटीज़ होती है ना, जैसे अंडरस्टैंडिंग अबिलिटीज़ किसी की कम हो गई है, किसी में कुछ, मतलब ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स बच्चे में देखने को मिलती है। तो उससे लेकर कई बार क्या होते हैं, लोग उनको मतलब सोशली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको थोड़ा अलग समझते हैं, उनको लगता है कि ये बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा या क्या हो रहा है। तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है कि ऐसे लोगों को सोशली आपने अलग नहीं करना, उनको अपने जैसा ही समझना है, जो आपने उनके बारे में स्टीरियोटाइप बना रखा है ना, तो उसको ख़त्म करना है। तो इस साल का थीम भी सेम वही है, एंड द स्टीरियोटाइप्स। जो लोगों ने अपने दिमाग में स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं ना ऐसे लोगों के लिए जिनमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होती है, तो थोड़ी बहुत उनमें होती है अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रॉपर कर पाते, या फिर किसी न किसी वजह से वो थोड़ा सोसाइटी से अलग दिखते हैं। तो ये जो लोगों ने उनके बारे में स्टीरियोटाइप बनाया है, उनको ख़त्म करो, सोशली एक्सेप्ट करो, उनके उनसे भी प्रॉपरली आप ट्रीट करो, इक्वल ट्रीटमेंट दो उनको भी। फिर नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पोइट्री डे। ये जो हमारे पोइट्स हैं उनको कमेमोरेट करता है वर्ल्ड पोइट्री डे, और इस साल का थीम क्या है, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोइट्री डे। तो फॉरेस्ट्री डे है, फॉरेस्ट को हमें बचाना है, जो हमारी डाउन सिंड्रोम डिजीज़ है, जो लोग इनसे लड़ रहे हैं, तो उनके साथ हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, उनको सोशली एक्सेप्ट करना है और पोइट्री डे सेलिब्रेट करना है, पोइट्री सुननी है। इस तरह से आप इसकी एक कोई भी स्टोरी बना सकते हो, या फॉरेस्ट में बैठकर पोइट्री सुन रहे हो, और जो सुन रहा है वो कौन सा है, वो डाउन सिंड्रोम डिजीज से सफ़र कर रहा है, सोशली इसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो फॉरेस्ट में गया और बैठकर आराम से पोइट्री सुन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रसार भारती चेयरमैन। प्रसार भारती के नए चेयरमैन रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो कौन है, तो उनका नाम है सूर्य प्रकाश। प्रसार भारती और सूर्य प्रकाश, प्रसार प्रकाश। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द नेशनल आइकन इन द PWD कैटेगरी बाय ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। PWD, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो इस कैटेगरी में, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में नेशनल आइकन अनाउंस किया गया है। किसको किया गया है, शीतल देवी को। तो रिसेंटली जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने बोर्ड ऑफ क्रिकेट, काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI जो है, उसके साथ मिलकर एक क्रिकेट मैच का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाया था, और ये जो क्रिकेट का एग्जीबिशन हुआ था वो इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन, जो डेफ है क्रिकेट की टीम के, तो इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन टीम, और दूसरी तरफ थी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो दोनों टीम्स के बीच में ये क्रिकेट मैच हुआ था, तो ये तो चलो एक वो था जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था मैच। तो इसी ओकेजन पे, ये जो ओकेजन था, इस ओकेजन पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो मिस शीतल देवी है उसको अनाउंस किया है एज द नेशनल आइकन इन द PWD कैटेगरी। और मिस शीतल देवी कौन है, ये एक डिस्टिंग्विश्ड पैरा आर्चर रह चुकी है, और इनको अर्जुना अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट है, रतन टाटा अवार्डेड PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन। रतन टाटा को कौन सा अवार्ड दिया गया है, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। अब ये जो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड है रतन टाटा जी को जो दिया गया है, किस लिए दिया गया है, क्योंकि उन्होंने फिलैंथ्रोपी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है फिलैंथ्रोपी ने। फिलैंथ्रोपी क्या होता है, जो वेलफेयर के काम होते हैं उसमें, जो ह्यूमन काइंड में जो है वेलफेयर का काम करते हैं उनको बोला जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इन्होंने वेलफेयर, जो लोगों का वेलफेयर करते हैं, जो उनके लिए कुछ जैसे हॉस्पिटल्स बनवा दिया, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ इस तरह के जो काम है उन्होंने काफ़ी अच्छे किए हैं, काफ़ी ज़्यादा किए हैं, तो इसीलिए उनको PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है लमितिया 2024 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो रिसेंटली कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुई है, तो ये हुई है इंडिया एंड सेशेल्स के बीच में।
सेशले कहाँ पे है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका की स्मॉलेस्ट कंट्री है सेशल, राइट। लमीतिए, ये एक फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है, फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज हुई थी 2001 के अंदर। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल का मतलब क्या होता है कि 2 साल में एक बार होती है, राइट, 2 ईयर्स में एक बार होती है, 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज क्या होती है? सिकल सेल अनीमिया जो डिजीज़ होती है, इसमें हमारे जो RBCs हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, उनकी जो शेप है वो सिकल जैसी हो जाती है, जैसे नॉर्मल जो होते हैं ये इस तरह के होते हैं, तो इनकी जो शेप है वो एक सिकल जैसी हो जाती है सिकल सेल डिजीज़ के अंदर। तो हमारा ये मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि हम अभी रिसेंटली ना सिकल सेल की एक इंडिजिनस मेडिसिन तैयार करी गई है। इंडिजिनस मतलब इंडिया के अंदर ही सिकल सेल एनीमिया की एक जो मेडिसिन है वो तैयार करी गई है। तो उसके बाद हमने अनाउंस किया है, हमारा जो एम है, हमारा एम है कि हम ये जो सिकल सेल डिजीज़ है इसको 2047 तक इसको इंडिया से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये जो मेडिसिन है ये एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाई है। किसने बनाई है? एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाई है, और ये इंडिया की ही बनाई हुई जो है मेडिसिन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन। नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन। इंडिजिनस है, इंडिया के अंदर ही बनी हुई है, और जो बच्चों में सिकल सेल डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट के में इसको यूज़ किया जाता है। और इसकी कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 1% है जो वर्ल्ड की कॉस्ट है इस मेडिसिन को, सिकल सेल की मेडिसिन को बनाने के लिए उसकी सिर्फ 1% कॉस्ट है जो इंडिया की दवाई बनी हुई है, राइट। नेक्स्ट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से टेस्ट आते हैं? तो इसके अंदर 3 टेस्ट होते हैं, एक रीडिंग का, राइटिंग का, एक न्यूमरेसी का। तीनों 50-50 मार्क्स के होते हैं, और टोटल जो होता है टोटल 150 मार्क्स का होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल तीनों सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी। और ये जो टेस्ट है ये कौन कंडक्ट करवाता है? तो इसको कंडक्ट करवाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये इसको कंडक्ट करवाता है। और ये उल्लास का पार्ट है। उल्लास क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, नव भारत साक्षर कार्यक्रम का ये पार्ट है, उसके अंडर आता है। तो ये 23 स्टेट्स के अंदर होने जा रहा है। कितनी स्टेट्स? 23 स्टेट्स के अंदर। और इसमें 37 लाख लर्नर्स जो है, अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख लर्नर्स जो है वो जो अपीयर होंगे, राइट, इस टेस्ट के अंदर। रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी का ये टेस्ट है, 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स ईच, 50 रीडिंग के, 50 राइटिंग के, 50 न्यूमरेसी के होंगे मार्क्स। तो इसमें होगा क्या? इसमें जो हमारे नॉन लिटरेट लर्नर्स हैं तो उनकी जो न्यूमरेसी स्किल्स है या लिटरेसी स्किल्स है उनको चेक किया जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल टाइम प्रोटोकॉल फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इनॉग्रेटेड। नेशनल टाइम प्रोटोकॉल, नेशनल टाइम प्रोटोकॉल क्या है ये? NTP, नेशनल टाइम प्रोटोकॉल। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? सबसे पहले ये मुंबई के अंदर इनॉग्रेट हुआ है। तो ये है क्या? NTP, नेशनल टाइम प्रोटोकॉल। ये एक्यूरेट टाइम इंफॉर्मेशन देता है। जो नेशनल टाइम प्रोटोकॉल है ये क्या करता है? एक्यूरेट टाइम इंफॉर्मेशन देता है, मिली सेकेंड्स में भी। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी साइबर सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी, और इसके साथ ही हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको सिंक किया जाएगा कंट्री के अंदर, सो दैट कि जो है एक्यूरेट टाइम इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचे। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से, जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट है, वेयर इज रेकजैनिस पेनिनसुला। रेकजैनिस पेनिनसुला कहाँ पे है? तो ये आइसलैंड के अंदर है, यहाँ पे सदर्न आउटलैंड आइसलैंड में है रेकजैनिस पेनिनसुला। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में है, यहाँ पे वॉलकैनोस अरप्ट हो रहे हैं, वॉलकैनोस इरप्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो सदर्न आइसलैंड है यहाँ पे एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, रेकजैनिस पेनिनसुला कहाँ पे है, राइट।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।